And then we are testing next example about getche function and combination of getche as well as getche function. First of all, we are executing this program line by line or statement by statement. जैसे इस प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थ्री वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, वेरिएबल्स P, Q, R, allocating memory space for P, Q, R inside stack memory. Next one, second statement. Second के according printf से simply monitor device के लिए display हो जाएगा enter character. First case में printf के through display किया enter char. लेकिन इसके just बाद slash n use किया, इसके according cursor कहाँ send हो on the next line. Next one, now assume cursor blinking second line, beginning position of the second line. Then we are calling getche function. Observe this behavior of getche. जैसे इस केस में getche function execute हुआ, getche का std से कोई भी लेसन नहीं, इसके थ्रू भी डेटा डायरेक्टली रीड होगा, directly from keyboard. It is no way related to std in. नेक्स्ट वन, जैसे मैं की से कीबोर्ड से मैंने कोई की प्रेस किया, समथिंग ए, वी आर प्रेसिंग सम की हियर ए, प्रेस दिस की ए. प्रीवियस केस में ऑब्जर्व किया था ड्यूरिंग getche function के थ्रू जब भी आप कोई की प्रेस करोगे की आपको एंटर टाइम पर विजिबल नहीं हो रहा था, लेकिन इस केस में जैसे की प्रेस हुआ ए, इमीडिएटली सेम की विजिबल हुआ ऑन द मॉनिटर इन केस ऑफ getche functions. लेकिन ये के जस्ट और नेक्स्ट की रीड विदाउट नेक्स्ट की रीड नहीं होगा, मींस विदाउट रीडिंग नेक्स्ट की डायरेक्टली एग्जिस्टिंग की रीड हो जाएगा बाय यूजिंग दिस getche function. एंड नाउ दिस function इज रिटर्निंग ASCII वैल्यू ऑफ रीडिंग कैरेक्टर. अगर की ए प्रेस किया तो रिटर्न किया ASCII वैल्यू ऑफ ए 65. नाउ असाइनिंग दिस ASCII वैल्यू 65 इनसाइड वेरिएबल p, द वैल्यू ऑफ p इज 65. नेक्स्ट वन, अभी भी कर्सर की बात करें तो कर्सर का विजुअल होगा ए को प्रेस करने का, जस्ट कर्सर कहां से ऑन द नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले कराया मैंने, नेक्स्ट स्टेटमेंट फोर्थ डिस्प्ले का प्रिंट एफ एंटर कैरेक्टर. इन दैट केस अभी कोई लाइन चेंज नहीं हुआ, कर्सर कहां से हो रहा है सेकंड लाइन पर, सेकंड लाइन पर जस्ट ए के जस्ट बाद मैसेज विजुअल होगा आपको एंटर नेक्स्ट कैरेक्टर कैर एंटर कैर. नहीं, एंटर कैर के बाद अगेन क्या स्लैश एन, स्लैश एन के अकॉर्डिंग कहाँ जाएगा कर्सर, ऑन द थर्ड लाइन. मीन्स एंटर कैरेक्टर जस्ट कहाँ डिस्प्ले हो, जस्ट आफ्टर एंटर की विच इज ए. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइम मैंने इस केस में की रीड किया है और डेटा रीड किया बाई यूजिंग getche functions. इस केस में डेटा किसके थ्रू रीड हो रहा है, बाई यूजिंग getche. getche की बात करें, getche function का भी इंटरेक्शन किससे हुआ, it will also read single character directly from keyboard. Suppose that in next time we are pressing some key or something b. In next time suppose मैंने key enter किया है जब b, तो b के केस में, इस केस में b getche function के थ्रू display enter किया, इसलिए enter time पर key आपको कभी monitor window पर visible नहीं होगा, only key press तो हुआ है, इसका ASCII value enter हुआ, इन इसका इंफॉर्मेशन आपको कभी मॉनिटर डिवाइस पर विजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट वन, गेट सी एस रिटर्न क्या करेगा, रीडिंग वैल्यू और ASCII वैल्यू ऑफ रीडिंग कैरेक्टर विच इज वी, मीन 66 इज असाइन टू द वेरिएबल क्यू. नाउ 66 इज असाइन टू द वेरिएबल क्यू. नेक्स्ट वन, अभी भी कर्सर कहां से हो रहा है, ऑन द थर्ड लाइन बिगिनिंग, मीन इस केस में बी एंटर तो हुआ लेकिन बी आपको मॉनिटर डिवाइस पर विजिबल नहीं हुआ. नेक्स्ट वन अगेन, सिक्स्थ स्टेटमेंट प्रिंट एफ एंटर कैर, अगेन सेम लाइन में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, एंटर कैर. एंटर कैर के जस्ट बाद यूज किया स्लैश एन, मीन्स जब getche के केस में की प्रेस किया था ए, getche के केस में एंटर कैरेक्टर विजुअल हुआ था, लेकिन जब getche फंक्शन के थ्रू कैरेक्टर प्रेस किया बी, देन बी का कोई एक्नॉलेजमेंट डिस्प्ले हुआ क्या, देयर इज नो मैसेज लाइक अ बी. नेक्स्ट थर्ड केस में डायरेक्ट क्या डिस्प्ले हुआ, एंटर कैर, देन अगेन स्लैश एन से लाइन चेंज हुआ, कर्सर कहाँ सेंड हुआ, ऑन द नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट वन अगेन, इस फिर से कॉल क्या हो रहा है इसके अंदर, getche फंक्शन अगेन डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट हुआ, डायरेक्टली टू द कीबोर्ड. तो कीबोर्ड के केस में अगेन नेक्स्ट टाइम रीड होगा थर्ड की, थर्ड केस मैंने प्रेस किया समथिंग की एस सी
सी के केस में भी सी किसके थ्रू रीड हो रहा है, गेट सी एच ई, हेयर ई स्टैंड्स फॉर इको कैरेक्टर्स, हेयर इको कैरेक्टर इज विजिबल और एंटर्ड कैरेक्टर इज विजिबल। जैसे ही मैं इस केस में सी प्रेस करूंगा, सी एंटर भी होगा प्लस आपको विजिबल का होगा ऑन द मॉनिटर एट द टाइम ऑफ व्हाइल यू हैव एंटर्ड। इन दैट केस इसके जस्ट बाद कर्सर का लिंक करा, जस्ट आफ्टर सी देन गेट सी एच एस, गेट सी एच ई फंक्शन से करंटली क्या रीड हुआ है, आस्की वैल्यू ऑफ सी, सी के केस में बात करें 67, दिस 67 इज असाइन टू द वेरिएबल आर। इन नेक्स्ट स्टेटमेंट 8 प्रिंट एप, प्रिंट एप के थ्रू डिस्प्ले क्या हो जाए वैल्यू ऑफ पी क्यू आर इन सेम लाइन। करंटली कर्सर अगर फोर्थ लाइन में सेट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कर्सर कहाँ है अभी, जस्ट आफ्टर सी, आफ्टर प्रेसिंग सी, मीन्स ए और सी तो विजिबल हो रहा है लेकिन बी विजिबल नहीं हो, बिकॉज बी किसके थ्रू रीड हुआ था बाई यूजिंग गेट सी एच फंक्शंस। नेक्स्ट टाइम प्रिंट एप के थ्रू पी क्यू आर के कैरेक्टर वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे, जस्ट कर्सर के बाद डिस्प्ले क्या हो जाएगा, कैरेक्टर वैल्यू ऑफ पी एच एस ए स्पेस बी स्पेस सी, कर्सर कहाँ से ऑन द सेम लाइन। दिस इज द आउटपुट एंड बिहेवियर ऑफ दिस कोड।